आलू की खेती पर किसानों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें रीता और अनीता शामिल हैं। इस बैठक में अनीता और रीता को एक नई विधि जीरो टीलेज से आलू की खेती की जानकारी मिली। उन्हें जीरो टीलेज से आलू की खेती कैसे की जाती है, इसके बारे में भी समझाया गया। बैठक समाप्ति के उपरांत अनीता जब घर की ओर जा रही थी, तो वो ये सोचकर काफी खुश थी कि उसने आज एक नई चीज जीरो टीलेज से आलू की खेती के बारे में सीखा। और फिर वो ये सोचने लगी, मेरा ऐसा कौन सा खेत है जिसमें धान लगा हुआ है, जिसकी कटाई तुरंत होगी और नए तरीके से आलू लगाया जा सकता है। खेत में नमी भी होनी चाहिए और पानी का निकास भी ठीक होना चाहिए। जीरो टीलेज से आलू की खेती में जो सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, वो है पुआल, वर्मी कंपोस्ट, सड़ा हुआ गोबर, खाद, डीएपी यूरिया, मिक्सचर खाद और आलू के बीज। इस प्रकार की खेती में किसी भी प्रकार का आलू लगाया जा सकता है। अनीता जीरो टीलेज से आलू की खेती के बारे में सोचती हुई अपने घर की ओर चली जा रही थी, तभी अचानक उसे ये ख्याल आया कि उसे ये याद ही नहीं है कि जीरो टीलेज से आलू की खेती प्रारंभ करने का उचित महीना कौन सा है। रीता, जो अनीता की सहेली थी, वो भी जीरो टीलेज से आलू की खेती पर किसानों की बैठक में उपस्थित थी, इसलिए अनीता ने रीता को सही समय की जानकारी के लिए फोन किया। हेलो रीता। हाँ। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि जीरो टीलेज से आलू की खेती करने के लिए कौन सा महीना सही है, जो हमें बैठक के दौरान बताया गया था? क्यों अनीता, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। जीरो टीलेज से आलू की बुआई 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच की जा सकती है, जिससे पिछले खेत की नमी का उचित उपयोग हो जाएगा। अनीता, तुम्हें पता है कि एक कट्ठे में 35 से 40 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 16 इंच होनी चाहिए एवं बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर 8 इंच और बीज का आकार 30 से 40 ग्राम का हो तो बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया रीता, अब मुझे जीरो टीलेज से आलू की खेती की पूरी जानकारी मिलने के साथ याद भी हो गया। अनीता फोन काट देती है। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और संतुष्टि दिख रही थी, मानो ऐसा लग रहा है कि उसे जीरो टीलेज के द्वारा आलू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। और रोपाई का तरीका तो उसने पहले ही अपनी सहेली के खेत में देख ही लिया था, जिसमें आलू को निर्धारित दूरी पर रखना है और कंपोस्ट से ढकने के साथ साथ पूरे खेत को 6 से 8 इंच पुआल से अच्छी तरह ढक देना है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर न पहुंच सके। अनीता को अब यह भी पता था कि अगर खेत में नमी नहीं हो तो बुआई से पहले हल्की सिंचाई करके आलू लगाया जा सकता है, नहीं तो आलू लगाने के 10 से 12 दिन के बाद पहली सिंचाई, 20 से 30 दिन में दूसरी और 55 से 60 दिन में तीसरी सिंचाई, या फिर जरूरत के अनुसार या मिट्टी में नमी के अनुसार सिंचाई की जा सकती है। जीरो टीलेज से आलू की खेती यानी ज्यादा उपज और साथ में समय और लागत में बचत।